वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज की है। इस खोज में इतिहास के सबसे पुराने पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में पता चला है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में इस सूर्य ग्रहण का उल्लेख है और वैज्ञानिकों ने इस ग्रहण को लेकर ऋग्वेद को ही प्रमाणिक दस्तावेज माना है। खगोल शास्त्रियों की तरफ से ऋग्वेद में बताए गए सबसे प्राचीन पूर्ण सूर्य ग्रहण को ही सबसे पुराना माना गया है। इस ग्रहण का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज ऋग्वेद को माना जा रहा है। यह करीब 6000 साल पहले की घटना मानी जा रही है और ऋग्वेद में कई धार्मिक और दर्शन शास्त्र के स्कूलों के कथन भी लिखे गए हैं। करीब 6000 साल पहले का यह सूर्य ग्रहण ऋग्वेद में कई धार्मिक और दर्शन शास्त्रों के स्कूलों के कथन का जिक्र किया गया है। यह सभी कथन 1500 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं। बताया जाता है कि ऋग्वेद में ज्यादातर घटनाएं उस समय की हैं जब इसे लिखा गया था। अन्य धर्म ग्रंथों और पुस्तकों की तरह ऋग्वेद में भी प्राचीन घटनाओं का उल्लेख है। कुछ ग्रंथों में प्राचीन घटनाओं का उल्लेख है। हालांकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनी है और इसमें कई बार वर्नल इक्विनॉक्स में सूर्य के उगने का जिक्र है, यानी जब सूर्य दोपहर में सीधा सिर के ऊपर होता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि यह इक्विनॉक्स ओरियन नक्षत्र में जबकि दूसरा पीलियड्स में हो रहा है। खगोल शास्त्रियों ने इस डिस्क्रिप्शन से जांच की शुरुआत की और तारीख के बारे में पता लगाने लगे। धरती अपनी धुरी पर लहराते हुए घूमती है और इस समय का वर्नल इक्विनॉक्स पाइसेस नक्षत्र में है। इसका मतलब है कि ओरियन 4500 ईसा पूर्व में था और पीलियड्स 2230 ईसा पूर्व में। वैज्ञानिकों ने माना है कि ऋग्वेद में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जब वो लिखी भी नहीं गई थी। ऋग्वेद में बहुत ज्यादा सांकेतिक भाषा है। हालांकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के मयंक वाहिया और जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के मित्सुयो सोमा ने इसका अध्ययन शुरू किया। दोनों वैज्ञानिकों ने ऋग्वेद में प्राचीनतम सूर्य ग्रहण का जिक्र पाया और जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी हिस्ट्री एंड हेरिटेज में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। ऋग्वेद में बताई गई कहानी सामान्य राहु केतु वाली कहानी से अलग है। बाद में इन कहानियों को बनाया गया है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का बिल्कुल अलग कारण बताया गया है। वैज्ञानिकों ने ऋग्वेद में ओरियन नक्षत्र के समय वर्नल इक्विनॉक्स की तारीख पता लगानी शुरू की क्योंकि इसी दिन प्राचीनतम सूर्य ग्रहण हुआ था। इससे सबसे पहले लिखित पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। यह घटना तब हुई थी जब ऋग्वेद को लिखने वाले मौजूद थे। उनके सामने यह घटना घटी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में लिखा। दोनों वैज्ञानिकों की गणना के मुताबिक सबसे पुराना सूर्य ग्रहण 22 अक्टूबर 4202 ईसा पूर्व और 19 अक्टूबर 3811 ईसा पूर्व के बीच कभी हुआ होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।